हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यह सब कुछ है परंतु परंतु क्या कया दूं? परंतु माँ नहीं है। जब मैं असुर लोक में थी तो दीदी सुमुखी ने मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। पुत्री, स्त्री जब तक स्वयं माँ नहीं बन जाती वो उस नन्हे बालक की भांति होती है जिसे हर पग पर माँ की उंगली थामने की आवश्यकता रहती है, और विशेष करके माँ बनते समय भी उसे माँ की अत्यंत आवश्यकता रहती है। तुम इस आश्रम को अपना घर ही समझो। तुम रो क्यों रही हो? क्या ये आश्रम तुम्हें पसंद नहीं आया या फिर यहाँ कोई कमी है? नहीं मैया, यहाँ कोई कमी नहीं है। यह सब कुछ है परंतु परंतु क्या कया दूं? परंतु माँ नहीं है। जब मैं असुर लोक में थी तो दीदी सुमुखी ने मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। पुत्री, स्त्री जब तक स्वयं माँ नहीं बन जाती वो उस नन्हे बालक की भांति होती है जिसे हर पग पर माँ की उंगली थामने की आवश्यकता रहती है, और विशेष करके माँ बनते समय भी उसे माँ की अत्यंत आवश्यकता रहती है। इसलिए इस समय इस आश्रम के एकांत में तुम्हारा भावुक हो जाना उचित है। हाँ मैया, जैसे जैसे भक्त प्रहलाद के जन्म लेने की घड़ी निकट आ रही है मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। मुझे सहारे की जरूरत है मैया, मैं क्या करूं? मैं अपने इस व्याकुल मन को कैसे समझाऊं? पुत्री, जब संसार में कोई सहारा नहीं रह जाता, कोई आशा नहीं रह जाती, मन अकेला रह जाता है, तो यही सबसे उचित समय होता है अपने प्रभु को स्मरण करने का। जगत पिता को जो अपनी हर रचना हर प्राणी के लिए पिता भी है और माता भी। वत्स, इस एकांत के अवसर में अपने दुख अपने मन की व्यथा को अनन्य भक्ति भाव में बदल दो, फिर तुम्हारे ये आंसू जो गिर गिर कर मिट्टी में मिल रहे हैं श्रद्धा और भक्ति के वो मोती बन जाएंगे जिनका कोई मोल नहीं लगा सकता। मैया, आपने मुझे धाड़स बंधा दिया, मुझे भक्ति का मार्ग दर्शाया। मैं आपकी आभारी हूं मैया। अब मैं प्रभु के नाम का स्मरण करूंगी। हाँ पुत्री, ओमकार का जाप किया करो। यही शब्द ब्रह्म है, यही सर्वव्यापी सत्य है, और इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। यही ओमकार स्वरूप ब्रह्म सृष्टि के आदि से अंत तक व्याप्त होकर भी अक्षरावाणी के रूप में नित्य रहता है। वत्स कयाधु, ओमकार से ही सब है। तुम इसी महामंत्र की साधना करो। जो इस मंत्र का जाप करके उसे सिद्ध कर लेता है वो भूः भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यम् इन सभी लोकों से परे
परलोक में जा पहुंचता है, जहां महाविष्णु का परम धाम है, वैकुंठ धाम है। ओमकार की साधना करने वाले साधक को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अनुग्रहित करते हैं। पुत्री कयाधु, तुम इसी महामंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा, और इसी जाप के कारण तुम्हारे पेट में पलने वाला तुम्हारा पुत्र प्रहलाद तुम्हारा शिष्य बन जाएगा और तुम उसकी गुरु बन जाओगी। जो आज्ञा माता।